हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ पर्सन हु यू थिंक इज वेरी ओपन। कहते हैं हमें उस पर्सन के बारे में बताना है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है। सो वी विल स्टार्ट विद द जर्नल लाइन। बीइंग ओपन इज अ रेयर वर्च्यू डेट ओनली अ फ्यू हैव। कहते हैं किसी के नाल भी बहुत जल्दी ओपन होना, कहते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स अ रेयर वर्च्यू मीन्स अ गुडनेस, वर्च्यू मीन्स अ गुडनेस, अच्छी बात है कहते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों में दिखाई देती है। एज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, कहते हैं जैसे कि हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग तरह की नेचर है। सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, कहते हैं कुछ लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट मीन्स शाई नेचर के होते हैं, एंड अदर्स आर एक्सट्रोवर्ट, और कुछ जो हैं वो फ्रेंक नेचर के होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन क्यू कार्ड। आई बिलीव, मुझे लगता है फ्यू पर्सन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ओपनली, कहते मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन जो हैं वो ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं इन देयर ग्रुप, लाइक इन फ्रेंड्स, इन देयर रिलेटिव्स, विद देयर फैमिली, विदाउट एनी फियर इन द सोसाइटी। कहते हैं उनको कोई किसी चीज़ का डर नहीं होता, जो उनके मन में है और जो वो कहना चाहते हैं वो फ्रेंकली बोल देते हैं। उसी तरह एक मेरी फ्रेंड है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड मीन्स मेरी एक फ्रेंड है जो कि एज शी इज अ नेशनल स्विमर, वो एक नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक स्विमर है। Have been friends 6 years ago, और हम पिछले 6 सालों से अच्छे दोस्त हैं। She is a very approachable. Approachable का मतलब क्या होता है? Friendly nature, कि कोई भी जो उससे बात करना शुरू करे तो वो उसको बहुत जल्दी अच्छा अपना friend बना लेती है। With this, she is a sports person. वो एक sports person है, means मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो एक national swimmer रह चुकी है। Energetic, energetic मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा energy है to do something. ग्रेट एथलीट, पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, और उसको स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्रेज है। यू कैन सी द फायर बर्निंग इन हिज आइज। अब ये मैंने यहाँ पे फ्रेज यूज़ की है, फायर बर्निंग इन हिज आइज मीन्स वो पैशन, वो क्यूरियोसिटी, वो क्रेज मुझे जो है या हम लोगों को उसकी आइज में दिखाई देता है रिगार्डिंग इट्स सॉरी हर स्पोर्ट्स, उसकी जो स्पोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ही मिंगल्स विद एवरी वन। मिंगल्स मीन्स मिक्स, कि वो बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है लोगों के साथ। जस्ट चेंज द मूड ऑफ अ रूम एज शी स्टेप्स इन, कहते हो जैसे ही वो किसी ग्रुप में एंटर हो जाए, अगर 3-4 लोग बैठे हैं उनमें वो चली जाए तो एकदम से सडनली उस ग्रुप का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। मीन्स वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है? चार्मिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। हर चार्मिंग एनर्जी ऑलवेज रेडिएटेड मी, कहते हैं और उसकी जो ये खुश रहने की, हैप्पी रहने की जो उसकी नेचर है वो क्या कह रही है हमें, क्या एक पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, कहते हैं अब मैंने यहाँ पे एक और फ्रेज यूज़ की है, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, मतलब कि अगर मैं उसकी जो सभी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें से अगर मैं एक और पॉजिटिव उसके बारे में बताऊँ तो वो क्या है, शी इज़ समवन यू कैन टॉक टू एनी टाइम, कहते हैं वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ आप कभी भी बात करना पसंद करोगे। शी इज़ ट्रूली पैशनेट सोल, सोल मतलब आत्मा, मतलब कि बहुत एक अच्छी प्योर सोल भी आप कह सकते हो, मीन्स क्लीन हार्टेड, कि उसके मन में कोई बात नहीं होती है, उसके जो भी है वो क्लियर कट बोलती है, फ्रैंक है। वी टॉक ऑन डेली बेसिस थ्रू सोशल मीडिया, मैं उसके साथ हमेशा बात करती हूँ थ्रू सोशल मीडिया, जैसे कि वीडियो कॉलिंग। एज पर आप सबको पता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट्स वाई वी ऑलवेज रिमेंस ऑन मेमोरीज। रिमेंसिंग का मतलब होता है रिकॉल, कि हम याद करते हैं अपनी यादें जो हमने पहले टाइम स्पेंड किया है। How we were always the notorious batch. Notorious का मतलब क्या होता है? Famous. कि कैसे हम एक famous batch थे अपने school time में। अगर हम वापिस देखें, looking back at those days, means अगर मैं पुराने दिनों की बात करूँ, she always speaks her mind. मतलब बहुत ही अच्छे चीज़ें बोलती थी, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा intelligent भी है, उसका अच्छा IQ लेवल भी है, और उसके जो वर्ड्स हैं, शी नेवर हर्ट समवन, वो कभी अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को भी हर्ट नहीं करती है। समटाइम्स पीपल गेट ऑफेंडेड, कहते हैं हाँ कई बार होता है कि लोग जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं, वो भी कब अपसेट होते हैं, जब शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि जब वो कोई बात को सीधा उनके मुंह पर बोल देती है, मतलब कि वो ट्रूथ को फॉलो करती है।
हर इंटेंशन इज टू हेल्प करते हैं, उसका मेन मोटिव रहता है मदद करना एंड नॉट टू इंसल्ट, ना कि किसी की बेइज्जती करनी. शी इज अ रियली ब्रेव डीप डाउन, मतलब फुल ऑफ इमोशंस. कि वो ऐसा नहीं है कि वो अगर ओपन है नेचर में तो वो स्टोन हार्टेड है, नहीं, वो उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है. नॉट अफ्रेड टू शो हर ट्रू सेल्फ टू पीपल, और वो कभी भी पीछे नहीं हटती है अपने आप को लोगों के सामने प्रिटेंड करने में जो रियलिटी में है. ऑल इन ऑल मीन्स ये अब हमारा एंड है क्यू कार्ड का. आई कुड बी मोर ओपन लाइक हर, मैं उसके जैसा होना चाहती हूँ एंड ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ परफेक्ट पर्सन, और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे वो है एक परफेक्शन है उसमें, एक वो जॉयफुल पर्सन है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक डैट ओनली. थैंक यू.